कि भगवान मुझे शक्ति दे ना कि तो आई एम कीपिंग द वन ओनली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह पे ही हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं। बहुत जन आप लोग कमेंट पे लिखते हैं कि पायल तुमने बोला रात में डिनर, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सो ये मैं स्क्रैम्बल एग बना रही हूँ एंड दिस इज फारा खान का रेसिपी है। इसमें मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा ना दैट शी हैड एडेड पोटैटो इन इट, आलू ऐड किया। तो आलू को ना आपको थोड़ा फाइनली चॉप कर लेना है। तो आलू, अनियंस, फिर टमाटर जब अच्छी तरीके से कुक हो जाए देन एड एग, एंड उसने चीज़ भी ऐड किया था तो मैं चीज़ ऐड नहीं करूँगी, लाइक करूँगी बाद में करूँगी। एंड दिस ब्रेड्स आर सो थिन, मैं क्या बोलूँ, गलती से ना मैंने लाइक फाइनली थिन ब्रेड ला दिया था। एंड एट द एंड आई एम एडिंग चीज। तो मैं सुबह उठी ना, फिर मैंने देखा कि फारा खान ने ना ये स्क्रैम्बल एग बनाया, तो मुझे लगा चलो मैं बनाती हूँ। ना शी कुक्स गुड, वो अच्छा खाना बनाती है, जो लोग खाना बनाते हैं वो समझ में आते हैं। एंड बहुत ही सिंपल था, तो मुझे लगा चलो शॉमिक के लिए थोड़ा बना के देती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी था। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नाउ द टाइम इज कितना है, या 10 बजने वाला है। एंड ये वीक कुछ भी पैकिंग एंड ऑल कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज व्हाई रेक्स, व्हाई आर यू हियर, रेक्स को देखा, कुछ भी पैकिंग एंड ऑल नहीं हुआ बिकॉज एंटायर डे सिद्ध को देखने में ही चला जाता है। व्हाट यू वांट, तो अभी मैं राय को ड्रॉप करने जाऊंगी क्योंकि राय जा रही है अपने फ्रेंड के घर, वो दे विल मेक सम केक। तो मुझे सिद्ध को भी लेके जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। सिद्ध को अभी कार में बैठना पसंद है, सो दैट्स अ ग्रेट। अभी राय को ड्रॉप करने जा रही हूँ तो सिद्ध को भी लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो सिद्ध घर में अकेले कैसा रहेगा। कम सिद्ध, कम कम कम, ओके कम कम सिद्ध कम, या चलो। सिद्ध को लग रहा है कि मैं इसको घुमाने लेके जा रही हूँ, अरे देखी सिर्फ तुम कार में ही घूमोगे। कम चारा, सिद्ध इज थिंकिंग ही इज गोइंग टू पार्क। चलो इसको थोड़ा लेके जाऊंगी। तो फिर तो मैं राय को ड्रॉप करने गई थी ना, तो राय की ये फ्रेंड थोड़ी दूर रहती है, लाइक हम लोगों के विलेज में नहीं रहती है। तो सिद्ध सो ही गया, तो ऐसा ना कभी भी नहीं होता है, सिर्फ फुल सो गया। मैं जो नाइटी पहनी हुई थी ना उससे मैंने थोड़ा ढक के दे दिया। अब देखेंगे कोई सोता है ना, कोई भी हम लोग भी सोते हैं ना, थोड़ा सा कवर रहता है तो अच्छा लगता है। लाइक मुझे ढक, मैं कुछ ना लूँ ना तो मुझे नींद ही नहीं आता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ लेट मी मेक राइस, एंड कल मैंने शॉमिक के लिए फिश बनाया था वो है, फिर सिद्ध का भी खाना है, थोड़ा मैं राइस बना लेती हूँ। या सुबह से कुछ काम ही नहीं हुआ, यू नो अभी घर ये का लास्ट स्टेज है ना। बहुत जन आप लोग बोल रहे थे नहीं पायल ज़्यादा इंटीरियर मत करो, बाद में स्टाइल चेंज हो जाएगा। यार हम लोग इंटीरियर एंड ऑल ये सब यहाँ पे करते हैं, बट बहुत ही कम लोग करते हैं। यार वी आर डूइंग वेरी बेसिक स्टफ जो ज़रूरी है, जैसे कि फ्लोरिंग एंड ऑल सब नया करना, फिर बाथरूम में यू नो जो बेसिक है, आप बोल सकते हैं घर बनाया हुआ है, बात का जो है ना अंदर का काम वो ऑलमोस्ट हम लोग ही कर रहे हैं। बहुत रोज पहले ना मैंने स्प्रिंग अनियन खरीदा था, तो अभी ना कुछ लीव्स ना, लीव्स नहीं तो पता नहीं वो क्या बोलते हैं, जो भी हो कैसा खराब हो गया है। तो मुझे लगा कि चलो बाकी जो है उससे लेट मी मेक ए स्प्रिंग अनियन का मैं भाजी बना देती हूँ। एंड इसमें ना मैंने थोड़ा आलू ऐड किया है, अगर ऐसा भाजी बनाते हैं ना तो टेस्टी नहीं लगता है। तो ऐड लिटिल बिट आलू इन इट, एंड यहाँ पे मेरे रेक्सो का खाना भी रेडी है। रेक्स तभी किचन में आता है जब उसका खाना रेडी होता है, नहीं तो खाना खाने आता है। तो रेक्स को मैं अंडा के साथ थोड़ा राइस देती हूँ, एंड नहीं तो चिकन बॉयल होता है। मैं ना सोच रही थी कि सिद्ध को खिला के फिर इसको नहला वहला के लेके जाऊंगी, क्योंकि 1:30 को अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग ऐसा 1:15 को निकल जाएंगे। सी नाउ द टाइम इज 12:00, पर क्या करें यार कैसा सो रहा है, जस्ट लुक। ऐसा करके सोते हैं ना, बोलते हैं लाइक बच्चे लोग बहुत आराम से सो रहे हैं। तो एक सोफे पे सिद्ध सो रहा है, एंड रेक्स का
का तो वो लाइक जगह इज परमानेंट, सुबह वो उठ के खाना खाने के बाद ही होल डे यहाँ पे बैठा बैठा क्या सोता ही रहता है। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि डॉग्स लोग इतना सोते हैं। कुछ ऐसा करो तो सबसे ज्यादा पसंद माई लैक्शू बुरा लग रहा है यार, इसको उठाने का मन नहीं कर रहा है, किस तरीके से सो रहा है। ओहो, हम लोग को जाना भी है, 1:30 को अपॉइंटमेंट है। का क्या बोलते हैं ऑडियोलॉजी ऐसा कुछ बोलते हो गया, पर यू नो ही इज ओनली 2 years old, यू नो कभी वो लोग कोई साउंड की तरफ देखते हैं, कभी नहीं देखते, तो इसीलिए बोला है फिर से जाना पड़ेगा। मैं डेली सोचती हूँ आज ये मैं यू नो आई विल पैक एंड ऑल, बट जैसे मैं बोल रही हूँ ना डे खत्म होते होते मैं इतना ज्यादा टायर्ड हो जाती हूँ ना, एंड ये तो फुल हुई कि वो नहीं आए, यू नो सबके लिए खाना बनाना एंड ऑल दैट, ये सब में आप देखेंगे कितना सारा टाइम चला जाता है। हम लोगों के घर में तो अभी ऑलमोस्ट सभी लोग अलग अलग खाते हैं। क्या हुआ, अभी रैक्स अपना काम कर ले, देन देखती हूँ मैं घर में जाके इफ आई कैन डू समथिंग। सो आज सोच रही हूँ लेट मी पैक ऑल द साड़ी सिर्फ गणेश चतुर्थी के लिए, मे बी आई विल कीप वन, एक ही साड़ी रखूंगी जो इजी है, बाकी सब लेट मी पैक। पता नहीं फ्रेंड्स ये पैकिंग तो कर रही हूँ, अनपैकिंग कब होगा, तो इसीलिए ना मैं ये सूटकेस में आई विल कीप द साड़ी, जो ऐसा भी मैं साड़ी और कितना ही दिन पहनती हूँ साल में, तो धीरे धीरे यू नो आई विल डू द अनपैकिंग। मेरे ना एक्चुअली वेस्टर्न वेयर बहुत ही कम है, साड़ी सबसे ज्यादा है, शायद एक सूटकेस में होगा ही नहीं। एंड अभी पैंडमिक के बाद ना जितना भी मैंने साड़ी खरीदा है मोस्ट ऑफ देम में ब्लाउज ही नहीं है, जैसे ये सब साड़ी का ब्लाउज ही नहीं है। एंड जब मैं इंडिया गई थी तब मैं जो होता है ना ब्लाउज पीस लेना ही भूल गई। तो एक सूटकेस में हाफ साड़ी आ गया, मैं ना थोड़ा नेप्थलिन बॉल रख रही हूँ बिकॉज रियली आई डोंट नो लाइक मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि कब ये सब अनपैकिंग होगा। सो फाइनली हियर दिस इज डन, दिस इज साड़ी का ब्लाउज है, एंड व्हाट इज दिस, या ओ ये तो मैं पहनूंगी, मैंने आप सबको दिखाया था ना, तो 2 साड़ी मैंने रखा है। सो चलिए अभी मेरे जितने सारे कॉस्मेटिक्स है जो मैं यूज नहीं कर रही हूँ यार, आई एम थ्रोइंग एवरीथिंग, क्योंकि दिस ऑल मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैज एक्सपायर्ड ऑल्सो, एंड इतना गंदा हो गया था ना, एक्चुअली इट्स बीन एजेस कि मैंने अपना ड्रॉयर साफ किया है। आज शायद मैंने अपना 20 से भी ज्यादा लिपस्टिक फेंक दिया, कभी यूज ही नहीं किया इतने सालों में, तो और अब कहाँ यूज करूंगी, यू नो सब कुछ तो अंदर में रहता है, तो आई एम कीपिंग द वन ओनली जो मैं यूज करती हूँ। मेरे जितने भी आई शेडो पैलेट एंड ऑल थे ना, वो कब का मैंने सब कुछ राय को दे दिया है, यू नो वो कभी कभी यूज करती है। तो ये सारे लिपस्टिक भी मैं फेंक दूंगी, कभी यूज करना ही नहीं हुआ, ये सब तो बहुत पुराना हो गया है। ये मैक का मैंने शायद 8 साल पहले खरीदा था, एंड ये कौन सा है, ओ ये डियोर का है, लेटमी सी, ये भी शायद मैंने यूज ही नहीं किया, तो शायद ये कलर इतना अच्छा भी नहीं लगता है, या लेटमी सी ये कौन सा कलर है, ये कभी लगाना ही नहीं हुआ, चलो ये लग देती हूँ, डियोर का लिपस्टिक नहीं फेंकना है। एंड जस्ट सी फ्रेंड्स अभी मैंने कितना मिनिमल स्टफ रखा है, ये जो लक्ष्मी के पैर है ना ये मुझे लगाना है, ये गृह प्रवेश के दिन लगाएंगे। एंड नाउ इट इज आई लव दिस नाइट सीरम, ये बहुत बेहतरीन है, एंड यहाँ पे जो जो पैक करना था आई पैक्ड एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गया, नहीं मैं होल नाइट पैक नहीं कर रही थी, ये कुछ कुछ सामान था जो कल रात हम लोगों ने पैक किया था, जो शौमिक ने पैक किया था, तो मैं वही सब कुछ लिख रही हूँ। एंड मैं ना शौमिक को बोल रही हूँ कि थोड़े विंटर वेयर्स बाहर रखो, यू ना सब कुछ पैक कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। एंड अभी मेरा और इतना रात में किचन एंड ऑल साफ करना नहीं होता, लाइक जब टाइम मिले अभी मैं उस तरीके से कर रही हूँ।
शनिवार है तो हम लोग वेज खाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे किचन में ना बहुत सारे स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स है जो अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं यूज नहीं करती हूँ, तो आई विल पैक ऑल दैट ऑल्सो। एंड यहाँ पे इडली बन रहा है शॉमिक के लिए एंड मैं और राय हम लोग मैगी खाएंगे। रात को ही ना मैंने दाल बॉईल करके रखा था तो सुबह उठ के मुझे लगा कि चलो मैं तड़का दे देती हूँ। इडली के साथ दाल, इंडियन दाल, सांभर भी नहीं, इडली ना बहुत ही ड्राई हुआ है। अभी मैं बोलूंगी मेरा हर डे बहुत ही बिजी होने वाला है, तो जो भी हो सबके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया। शॉमिक घर पे ऑलरेडी है, नाउ द टाइम इज 10:20 एंड सीत को मैं बोलूँ सीत को राय देखेगी। मैंने राय को बोला राय थोड़ा टीवी लगा दो एंड तुम अपना बैठ के अपना काम वाम करो एंड लेट हिम वॉच, क्योंकि घर पे ना जाना है, वो लोग के साथ ना हम लोगों का मुलाकात ही नहीं होता। वीक डेज में भी ना वो लोग इतना काम नहीं करते एंड वीकेंड में काम करते हैं ना, और भी ज़्यादा टाइम नहीं है ना। हम लोग ने वो लोग को परफेक्ट मैनी ऑफ यू टोल्ड मी डे नहीं बताया व्हेन वी आर शिफ्टिंग, हम लोगों ने बोला फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में सब काम खत्म होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। एंड मैंने दाल बना लिया है, आई एम प्लानिंग मैं सिर्फ चावल बनाऊंगी एंड मे बी वन आलू भाजी टाइप आई विल मेक। हर वक्त मैं खाना ही बनाते रहो ना तो ना बाकी का कुछ भी काम नहीं होता है। तो चलिए, तो अभी आए है मेरा न्यू फेवरेट प्लेस दैट इज होम डिपो। वो ऑर्डर आ चुका है तो हम लोगों को लाना है। यहाँ पे ना मुझे लगता है अगर आप YouTube थोड़ा देखें एंड इफ यू हैव टाइम ना इजीली घर रिलेटेड कुछ तो काम हम लोग सभी कर सकते हैं, बट हाँ यू नीड टाइम। तो यहाँ पे शॉमिक अभी हम लोग का जो ऑर्डर है वो वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो मैं लाइट कार पे रख के आती हूँ। सो सीरी के वहाँ के लिए ना हम लोगों ने मैंने ये लाइट खरीदा है, ये सब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब हम लोगों ने ये घर रिनोवेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया ना, इनिशियली इट वाज जस्ट पेंटिंग, फिर शॉमिक को लगा कि नहीं नीचे का कारपेट अच्छा नहीं लग रहा है, कारपेट चलो नीचे का उठा देते। एंड अभी ऐसा सिचुएशन आया ना कि एंटायर घर का ही हम लोग फ्लोर चेंज कर रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ ना ये रिनोवेशन ना एक नशा टाइप है, अगर आप नहीं करते वंस यू एंटर ना और करने का मन नहीं करता है। सो फाइनली हम लोगों का ऑर्डर आ गया है। ऐसा तो जो भी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं ना, हम लोग के कॉन्ट्रैक्टर ही सब कुछ ला रहे हैं, पर टुडे इट सीम्स वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, दे आर बिजी। एंड ये सब दिस आर ऑल द रैक्स फॉर द क्लॉजेट। ऐसा क्लॉजेट के अंदर में रैक है पर मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, थोड़ा वाइड है। तो चलिए हो गया, या मे बी दैट साइड और दिस साइड और दैट साइड। वो हम लोगों के जो मेंटेनेंस है ना, लाइक जो ग्रास एंड ऑल सब कुछ क्लीन करते हैं, वो लोग ने लास्ट वीक दे केम एंड हम लोगों को ना एक विंडो ने एक डोर के वहाँ पर एक स्टॉर्म डोर होता है वो ना फुल कांच टूट गया था, तो फिर वो लोग ही वो लेके गए एंड रिपेयर करके लाए। चलो वी आर डन। घर में आने के बाद जल्दी जल्दी मुझे लगा कि चलो शॉमिक के लिए लेट मी मेक समथिंग। तो दाल वाज ऑलरेडी देयर, राइस भी मैं बना के गई थी एंड सिद का भी खाना है, तो मुझे लगा कि चलो शॉमिक के लिए लेट मी मेक दिस ब्रोकली फ्राई। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा हल्दी दिया है, सॉल्ट एंड हल्दी एंड आई डिडंट ऐड एनी अदर मसाला एंड ऑल इन इट। सो बहुत ही सिंपल मैंने एक ब्रोकली से भाजी बना लिया है शॉमिक के लिए with some salt, little bit of paper, that's it. And यहाँ पे राइस है एंड ये तो दाल मैंने सुबह ही बनाया था। सो आज बहुत ही सिंपल खाना है एंड राय के लिए ना आई ऑर्डर वो बटर पनीर मसाला एंड एक नान भी ऑर्डर कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा उसमें से खा लूंगी एंड आई थिंक सो आई नीड मोर बॉक्सेस। जब हम लोग ये घर में आए थे ना, वी डिडंट गेट दिस मच बॉक्सेस ना जनाई, बहुत ही कम। यार मैं बोल रही हूँ ना, तब मेरा अब से 70% सामान कमती था। एक ने अच्छा किया, श्रमिक वाज लाइक कि दिस वीकेंड मैं अपना हाफ ऑफ द क्लोजेट ना फुल एम्प्टी कर दूंगा, तो मैंने एक स्वेटर निकाल के रखा बिकॉज यू डोंट नो ना आपको ठंडी भी लग सकता है। तो चलिए ये पैकिंग भी हो गया, मुझे लगता है अभी मेरा व्लॉग विल बी ओनली पैकिंग एंड पैकिंग।
सो वी गॉट सम वेज समोसा, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ना 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 ना, वाओ। ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं ना तो वो लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंटरी थोड़ा खीर देते हैं जो राय को बहुत पसंद है। तो चलिए राय को दे देते हैं। एंड सीद ने अपना खाना खाया ही नहीं, उसको नान खाना था एंड समोसा भी खाया। मामा रेक्स यू कैन हैव दिस वन बाबा। हाउ इज इट? इट्स ओके। पनीर दिस वन देखते हैं। ग्रेवी ज्यादा है। मेरा भी लंच खत्म है। अगेन आई एम बैक विथ माई पैकिंग रूटीन। तो अभी मैं बॉक्स बना रही हूँ, बॉक्स बना के मैं सबको सप्लाई दे दूंगी। एंड करते करते यू नो आदत हो जाता है। तो अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं एक्चुअली अभी तो हम लोग का घर का कंडीशन बहुत ही खराब है, बट आई होप सो विद इन फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर ऊपर का फ्लोर फुल हो जाएगा। देन जाके ना मैं कुछ कुछ कपड़े और सब कुछ रख के आ जाऊंगी। तो चलिए गाइस ये व्लॉग को एंड कर देते हैं। अभी शायद 4 बजने वाला है। मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं होम डिपो जाऊंगी। मैं सुबह तो गई थी पर मैं भूल गई थी, यू नो आई नीड टू गेट मोर बॉक्सेस। तो और मुझे लगता है 10 बॉक्सेस लाने से हो जाएगा। पता नहीं यार ये पैकिंग एंड ऑल सब कुछ, लाइक अभी का 2 weeks इज गोइंग टू बी रियली टायरिंग। आई जस्ट प्रे टू गॉड यू नो डेली कि भगवान मुझे शक्ति दे ना कि मैं बीमार ना हूँ। सी अभी शौमिक का अभी 1 month जस्ट होगा, उसमें भी यू नो शौमिक डिड लॉट ऑफ स्टफ। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कोई हेल्प नहीं है तो क्या करेंगे, छोटा बच्चा है तो सीध को जैसे गोदी में लेना है गोदी में लेना है। मैंने जैसे अभी शौमिक को बोला कि तुम रेस्ट लो, आई गो एंड आई ब्रिंग दैट। सी मुझे लगता है वी ऑल गर्ल्स हम लोगों का स्ट्रेंथ है। मेरा प्रॉब्लम इज माई हाइट। अब देखेंगे इफ यू आर लिटिल बिट शॉर्ट ना, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू यू नो। हाथ भी तो छोटे छोटे होते हैं ना, तो वही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो भी हो दिस थिंग्स कंटिन्यूज एंड फिर शाम को देख के आएंगे क्योंकि आज वो लोग काफ़ी सारा काम कर रहे हैं घर का। वही मैं शौमिक को बोल रही थी यार हम लोगों ने ना सिर्फ स्टार्ट When we saw the house and जब you know when everything got finalized and all, तब हम लोग जो स्वामी बोले थे हम you know we'll paint the entire house। वो ही हम लोगों ने सोच के start किया था। And now oh my god like कितना कुछ, वो भी अभी बाहर का काम सब बाकी है। बाहर का काम और इस साल नहीं करेंगे, we'll do next year because you know September and October से तो यहाँ पे ठंडी हो जाता है, इतना कुछ बाहर का काम का ज़रूरत भी नहीं है कराना। एंड जैसे कि पूल एंड ऑल तो इस साल क्लोज ही है, नेक्स्ट साल ही ओपन होगा। तो चलिए विद दिस अच्छा लग रहा है धूप पे, लेट मी एंड दिस व्लॉग एंड आई ट्राई टू मीट यू ऑल टुमारो विद ए न्यू व्लॉग। अंटिल देन स्टे हैप्पी। एंड आप बहुत जन बोल रहे थे पायल बोरिंग लग रहा है सिर्फ पैकिंग एंड ऑल दैट, क्या करूँ यार आई एम ए डेली व्लॉगर, अभी यही मेरे लाइफ में चल रहा है। तो जो जैसा चल रहा है मैं ऐसा ही दिखा रही हूँ। जस्ट अभी थोड़े दिन के लिए बी पेशेंस एंड यू नो आई होप सो सेप्टेम्बर के मिडिल से यू विल सी ए न्यू चेंज एंड आप सबको पसंद आ भी सकता है। तो चलिए बाय बाय।